हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जौनप्रिया व्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं सेव की सब्जी। देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, तो चलिए देखते हैं। बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, सरसों का तेल, नमक स्वाद अनुसार। हींग जरूरी है क्योंकि ये बेसन से सेव बनता है, तो अगर आप हींग डाल देंगे तो आपका पेट दर्द नहीं करेगा, तो हींग तो ज़रूरी है और आपको डालना ही चाहिए। एवरेस्ट मीट मसाला और लहसुन और थोड़ा सा मिर्च बारीक कटा हुआ, और इसके बाद सेव, ये लगभग 250 ग्राम के करीब है। चलिए, हमने यहाँ कढ़ाई रख दिया है, गर्म हो रहा है। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तेल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आपके घर पे कोई सब्जी ना हो तो आप ये सब्जी बना के आराम से ट्राई कर सकते हैं। और आपको मेरी कुकिंग वीडियोस ज़्यादा पसंद आती है क्या? हमें ऐसा लगता है, तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आप लोग कैसे हैं? और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। इसमें हमने डाल दिया है जीरा तेल गर्म होने पे, फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन। ये देखिए हमने डाल दिया है, ये थोड़ा सा भुन जाए, फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। देखिए थोड़ा सा ये रेड रेड हो रहा है, फिर इसमें हमने डाल दिया है प्याज बारीक कटा हुआ। फिर हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए इसे हमें अच्छे से भूनना है, कच्चा ना रहे। देखिए अब देखिए ये कुछ भुन गया है। अगर कॉर्नर से ऑयल छोड़ने लगे तो आप जान जाइए कि आपका ये मिश्रण तैयार है। प्याज भुन चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं हींग, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमने बताया क्यों, जिससे आपका पेट दर्द ना हो। फिर हम इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर, क्योंकि प्याज हमारा हो चुका है। अब हम टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। देख लीजिए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये हमारा एकदम पक चुका है। फिर इसमें डाल देंगे हल्दी, फिर इसे मिक्स करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे इसी टाइम मसाला भी। फिर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसे मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा पका लेंगे हम इसे, भून लेंगे। ये देखिए ऑयल एकदम अच्छे से ये छोड़ दिया है किनारे किनारे। एकदम रेड रेड देखिए लग भी रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक आप कम ही डालें क्योंकि सेव में भी नमक रहता है, तो आप ये नहीं आप ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। फिर अब हम डालेंगे इसमें पानी, तो आपको जितनी इसकी थिकनेस चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेवी थोड़ी मोटी चाहिए तो पानी कम डालिए, और थोड़ी सी अगर पतली चाहिए थोड़ा पानी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमें लग रहा है थोड़ा पानी हम और ऐड कर देते हैं। देखिए हमने ऐड कर दिया। अब इस पानी को हम अच्छे से पकाएंगे और बॉयल करेंगे अच्छे से।
ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा। ये देखिए बॉयल हो गया है पानी, हमारी ग्रेवी जैसे एकदम बॉयल होगी तो ग्रेवी अच्छी बनेगी। देखिए जैसे ही ये पकेगा तो और अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। ये देखिए देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना सेव। ये देखिए हमने ऐड कर दिया। और सेव को डालने के बाद आपको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, मुश्किल से 2-3 मिनट तक ही आपको पकाना है, फिर बंद कर देना है, क्योंकि वैसे भी ये डालने के बाद बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, फूलने लगती है। तो आप 2 मिनट तक आप पकाएं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट अगर आप पका ले रहे हैं तो बहुत है उतना। ये देखिए हमने डाल दिया है। इसे चला लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए बॉयल हो गया है, इसे भी हमने डाल के ये बॉयल कर लिया है। बस बॉयल हो गया है अच्छे से, देख लीजिए। अब इसके बाद हम लास्ट में इसमें ऐड करते हैं धनिया। हमने गैस बंद कर दिया है, धनिया तो ज़रूर ऐड करें क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। देखिए हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हमें लग रहा है और डाल देते हैं, थोड़ा सा और डाल दिए धनिया, अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने निकाल लिया है बाउल में। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और आप ट्राई करिएगा और फिर हमें फीडबैक अपना शेयर करिएगा। ऊपर से हमने डाल दिया थोड़ा सा और धनिया गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा सेव भी डाल देते हैं जिससे ये और भी अच्छा लुक लगे, प्लस खाने में भी काफ़ी अच्छा लगे। ये देखिए हमने डाल दिया, देख लीजिए कितना ही यम्मी बना है। प्लीज़ आप इसे बनाइए ज़रूर और फिर हमें बताइएगा कि कैसा बना था। देख लीजिए मैं आपको अच्छे से दिखा भी देती हूँ कितना अच्छा ये बना है, देख लीजिए आप। चलिए ओके गाइज, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बाय बाय गाइज।